अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। हमें नहीं पता कि वरदान जी हमसे प्यार करते हैं या नहीं, लेकिन हमें इतना जरूर पता है, एक पिता ने अपने बच्चे के लिए और एक पति ने अपनी पत्नी के लिए सही निर्णय लिया है। यही हमारे रिश्ते की जीत और तुम्हारे रिश्ते की हार है। आपने हमारी सुन ली राम जी, इस घर पर मंडराते काले बादलों को अपने हटा दिया। ऐसे हमारी परिवार की रक्षा करना और दोबारा कभी किसी की पूरी नजर मत पड़ने देना। तक ले जाने पर मजबूर मत करो। जितनी जल्दी तुम यहाँ से चली जाओगी उतना तुम्हारे लिए और हमारे लिए अच्छा होगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो अभिनव? तुम्हारा दर्द बांटने आया हूं कलंदी। इतने प्यार से मैं तुम्हारे लिए लाया, जब तक एक्सेप्ट नहीं करोगी मैं यहां से जाऊंगा नहीं। बेचारी की किस्मत में सिर्फ कांटे ही कांटे लिखे हैं। अभिनव, क्या चाहिए तुम्हें? सच बोलूं तो आज अपनी आंखें मिस कर रहा हूं, तुम्हें हारता हुआ देखना चाहता था। देखो, वरदान को तो तुम्हारी कोई चिंता है नहीं, पर आमी तुम्हारी चिंता करी, मुझे तुम्हारी चिंता है, इसीलिए तुम्हारे लिए एक तोहफा है, कोलकाता का टिकट। देखो कालू, अब तुम अयोध्या रुक के करोगी भी क्या, इसीलिए तुम्हारे लिए कोलकाता का टिकट लाया हूं। वहां कोलकाता में उस गंदी बस्ती में वो 10x10 का कमरा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ना तुम लोग ज्यादा उड़ो मत। तुम्हें क्या लगता है, अगर मुझे वरदान की दौलत नहीं मिली ना तो तुम्हारे हाथी कोटी कौड़ी भी नहीं लगने दूंगी मैं। गलत। वरदान तिवारी की बहन जो इस कंधे पे सर रखकर जो इस कंधे पर सर रख के रो रही थी, वो विजुअल शायद तुम्हें याद नहीं है। मैं दोबारा दिखाता हूँ, एक सेकेंड, ये पकड़ो। 2, 3। अच्छे से देखो। मुझे पहले लगता था ना कि तुम सिर्फ आंखों से अंधे हो अभिनव, लेकिन तुम्हें पता है तुम ना तुम्हारे दिमाग से भी अंधे हो। तुम्हें क्या लगता है मैं चुप बैठूंगी? हाँ, मैं अभी जाके वरदान को बता दूंगी कि तुम जाकर उसकी बहन पर डोरे डाल रहे हो। पर मेरा तो कुछ बचा नहीं, इसीलिए मैं उसको ये भी बता दूंगी कि तुम मेरे पति हो।
मैं हेल्प कर दूं? कर ही देता हूं। बात नहीं, थैंक यू इसलिए था क्योंकि आज आपने खुद से पहले अपने परिवार के बारे में सोचा। तुम्हें पता है दुनिया का सबसे मुश्किल काम क्या है? सॉरी बोलना। अपनी गलती स्वीकार करना तो बहुत आसान होता है, लेकिन उसके लिए खुद से ज्यादा सामने वाले से प्यार करना पड़ता है। यही तो मेरी प्रॉब्लम है, आज तक मैंने खुद से ज्यादा किसी से प्यार किया ही नहीं। हाँ, माँ से किया है और मिट्टी से। और तुम मुझसे रिश्ता इसलिए तोड़ रहे हो कि तुम्हें केतकी से फिर से प्यार हो गया, या फिर तुम्हारा प्यार केतकी के लिए कभी खत्म ही नहीं हुआ था? यही तो नहीं बोल पा रहा हूँ। जिस दिन बोल पाएंगे उस दिन अपनी गलती स्वीकार करना भी आसान हो जाएगा। तुम क्या बहुत बड़ी विद्वान हो जो बेकार का ज्ञान बांट रही हो? लेकिन हमने तो कुछ कहा ही नहीं। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। हेलो हेलो अभिनव, आज हमें एक ऐसी जगह जाना है जहां हम अपने घर वाले को नहीं ले जा सकते। बहुत डर लग रहा है, क्या तुम हमारे साथ चल सकते हो? अरे रूबी, ये भी कोई बोलने की बात है? मैंने तुम्हें कहा था ना, तुम्हारी हर परेशानी में मैं तुम्हारे साथ हूँ। बिल्कुल भी अपने आप को अकेला मत समझो, मैं चलूंगा तुम्हारे साथ। थैंक्स अभिनव, थैंक यू सो मच। हम तुम्हें टाइम और लोकेशन दोनों मैसेज करते, ठीक है? कालिंदी, तुम वरदान तिवारी को जो बताना चाहती हो बता दो, लेकिन फिर मैं तुम्हें वो राज नहीं बताऊंगा जो तुम्हें उस घर में वापस एंट्री दिला सकता है। वो हुक्म का इक्का वो मेरे पास है। राज? कौन सा राज? कौन सा हुक्म का इक्का? क्या क्या बोल रहे हो तुम? अभिनव, अभिनव तुम ऐसा कौन सा राज जानते हो? अब देखिए अनोखा बंधन दंगल प्ले पर टीवी से पहले।